पटना में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर बोला हमला, एनडी गठबंधन जब ईवीएम को गाली देना शुरू कर दे तो समझ लेना एनडी की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है, 4 जून को नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी बोले, ने बोला आरजेडी पर हमला, लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरा फैलाया, लालटेन सिर्फ एक ही घर में करती है रोशनी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी, भारत विश्व का सबसे ज्वलंत सक्रिय प्रभावी लोकतंत्र। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ डाला वोट, दिल्ली के निर्माण भवन के बूथ पर किया मतदान। वोट देने के बाद बोली प्रियंका, एनडीए गठबंधन की जीत होगी, लोकतंत्र और संविधान के लिए वोट जरूर करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान, दिल्ली के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्नी संग डाला वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में किया मतदान, वोट देने के बाद बोली सभी लोग मतदान जरूर करें, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बासुरी स्वराज ने किया मतदान, आपके सोमनाथ भारती से मुकाबला। मतदान करने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, लोगों में उत्साह, जनता चाहती है मोदी तीसरी बार बने पीएम, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर खेलेगा कमल। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान, कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया मतदान, कांग्रेस के कन्हैया कुमार से मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान, बोले वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील की, सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा नफरत को हराने के लिए वोट करें। केजरीवाल के लिए वोट की अपील करने वाले फवाद हुसैन को केजरीवाल का जवाब लिखा, भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने डाला वोट, चिराग दिल्ली के पास एमसीडी प्राइमरी स्कूल के बूथ पर किया मतदान। दिल्ली सरकार मंत्री आतिश ने किया मतदान, लोगों से भी की मतदान करने की अपील। दिल्ली में आपके सांसद संजय सिंह ने डाला वोट, विकासपुरी के बूथ पर किया मतदान। आपके राज्यसभा सांसद फातिमा अलीवाल ने डाला वोट, दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्नी संग किया मतदान, दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का दावा, पूरा चुनाव केवल मुद्दों पर लड़ा गया, एनडीए गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटें जीते। दिल्ली के बूथ पर बीजेपी नेता बैजयंत जयपांडा ने डाला वोट, बेटी लतीशा के साथ किया मतदान। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने किया मतदान, बीजेपी के योगेंद्र चिनौलिया से है मुकाबला। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने डाला वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मतदान के बाद बोले आरिफ मोहम्मद खान, भारत के लोगों की संप्रभुता के अधिकारों का उत्सव, देश जल्द ही एक महाशक्ति बनेगा। पूर्व सीईसी सुशील चंद्रा ने पत्नी संग डाला वोट, दिल्ली के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में किया मतदान, वोट देने के बाद कहा देश का युवा बदलाव चाहता है। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने किया मतदान, दिल्ली के लोधी रोड बूथ पर डाला वोट। सीएम केजरीवाल के पिता ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने डाला वोट, दिल्ली के न्यू मोतीबाग पोलिंग बूथ पर किया मतदान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। दिल्ली के रेन बसेरा बूथ 79 पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब, कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के बेटे और पोलिंग एजेंट मृदुल अग्रवाल ने दी जानकारी। भारत सेवाश्रम मामले पर बोले यूपी सीएम योगी, एनडीए गठबंधन की राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित, विपक्ष हमेशा सनातन धर्म का विरोध करता है, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। होटन के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य, मतदान करना सभी का अधिकार, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आजमगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने की पूजा, मतदान से पहले प्रसिद्ध भवरनाथ मंदिर में की पूजा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने डाला वोट, प्रतापगढ़ के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। आजमगढ़ से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत का किया दावा, कहा पीएम लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। वोट डालने के बाद बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, 400 पार के नारे की सफलता की ओर बढ़ रही है बीजेपी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट, सिकरा के प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर किया मतदान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, नारायणगढ़ के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया मतदान, करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं मनोहर लाल। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल, इस बार हम भारी मतों से जीत रहे। इंडिया टीवी से बातचीत भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी इस बार साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। फरीदाबाद के बूथ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने डाला वोट, फरीदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट है कृष्णपाल। हरियाणा के सिरसा में वोट डालने के बाद बोले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बदलाव के लिए करें वोट।
मतदान करने के बाद बोले रणदीप सुरजेवाला, संविधान की रक्षा के लिए और बदलाव के लिए जरूर वोट करें। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने पत्नी संग्राला वोट, कतार में खड़े होकर किया मतदान। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने किया मतदान, अंबाला के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। INLD नेता अभय सिंह चौटाला ने किया मतदान, सिरसा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया मतदान, कुरुक्षेत्र के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने किया वोट, चरखी दादरी के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली शिवहर से JDU प्रत्याशी लवली आनंद, बिहार के लोग जंगल राज को भूले नहीं, जीत को लेकर जताया विश्वास। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले, बिहार की जनता ने मन बनाया है, पुराना युग नहीं लाना है, बिहार की सभी सीटों पर NDU की जीत का दावा। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया गया, वोटिंग के चलते सील किया गया बॉर्डर। बंगाल के घाटों में बीजेपी उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी की गाड़ी रोककर किया घेराव, TMC कार्यकर्ताओं ने हिरण्मय पर लगाया आतंक फैलाने का आरोप, इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने किया मतदान, नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मैदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल का बयान, बोली मैदिनीपुर से बीजेपी जीतेगी, जनता को PM मोदी पर भरोसा। मतदान करने के बाद बोले नवीन पटनायक, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में BJD की होगी बड़ी जीत। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने वोटिंग से पहले माँ समलेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, कांग्रेस के नागेंद्र प्रधान से है मुकाबला। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने मतदान से पहले घर पर पूजा, BJD के अरुण पटनायक से मुकाबला। BJD के नेता वीके पांड्यन ने पत्नी संग्राला वोट, भुवनेश्वर के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। भुवनेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी अपराजिता सारंगी ने किया मतदान, BJD के मनमथ कुमार राउत से मुकाबला। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया मतदान, रांची के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किया मतदान, जमशेदपुर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट, रांची के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। जम्मू कश्मीर BJP अध्यक्ष रविंदर रैना ने डाला वोट, राजौरी के बूथ पर जाकर किया मतदान। तिरुवनंतपुरम में BJP का प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछार की, मेयर की इस्तीफे की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन।